जिले में लगने वाला ऐतिहासिक ददरी मेला हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। इस मेले का एक प्रमुख बाजार है जो महिलाओं के लिए मशहूर है। यह बाजार ददरी मेले का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसको मीना बाजार के नाम से जानते हैं, जहां लड़कियों और महिलाओं का हर छोटा बड़ा सामान आसानी से मिल जाता है। यह मीना बाजार मुगल शासकों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें खास तौर से महिलाओं के शौक श्रृंगार से लेकर गृहस्थी तक का हर एक सामान मिल जाता है। यह मीना बाजार लड़कियों महिलाओं के लिए ही प्रसिद्ध है। लड़कियों और युवतियों ने कहा कि यह मीना बाजार है जो ऐतिहासिक ददरी मेले का महत्वपूर्ण अंग है। यह हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण बाजार है। इसमें घर गृहस्थी के साथ हम लड़कियों युवतियों और महिलाओं की हर सामान आसानी से एक बाजार में मिल जाती है। नाम बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं प्रीति पांडे बलिया नगर की रहने वाली हूँ। अभी कहाँ आई हैं? हम लोग बलिया के ऐतिहासिक मेला ददरी मेला में आए हुए हैं। जी, बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला है और इस मेले का हम सालों से इंतजार करते हैं। साल में एक बार आता है और उसे उस दिन का कार्तिक पूर्णिमा से ये शुरुआत होती है इस मेले की, और इस कार्तिक पूर्णिमा का हमें सालों भर इंतजार रहता है। जी, यहाँ इस बलिया की सबसे प्राथमिकता अगर देखी जाए तो हम महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीना बाजार है, जहाँ छोटी बच्चियों के सामान, बड़े हम लोग के सामान और छोटे सामान से लेकर बड़ी जरूरत, जो भी महिलाओं के शौक श्रृंगार के जो सामान होते हैं, यहाँ सारे सामान मिल जाते हैं। सस्ता मिलता है? हाँ, यहाँ तक बात पैसे की अगर की जाए तो यहाँ पे हर क्वालिटी के सामान है, हर प्राइस के हैं। 10 रुपए से भी शुरू होता है और 5,000 तक का भी सामान मिल जाता है। तो अब उसमें अपने बजट के हिसाब से हर महिला अपनी इच्छा अनुसार सामान ले सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या पांडे है। पांडे जी, कहाँ आई हैं? जी, हम ददरी मेला में आए हैं और यहाँ पे मीना बाज़ार, जैसे कि इस प्रसिद्ध ददरी मेला में मीना बाज़ार भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अनोखी अनोखी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बड़े बूढ़े सबके लिए मिलती है। तो हम अपनी ज़रूरत का कुछ सामान मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो चीज़ लिया है और अभी रखा है मैंने। तो क्या रेट, मतलब कुछ सस्ता भी है? हाँ, बहुत चीज़ सस्ती भी हैं और बहुत महंगी भी है। ये अपने बजट के अपॉन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छे लगे। हमको तो अच्छे अच्छे सामान मिले हैं अच्छे रेट पे। ऐतिहासिक ददरी मेले में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके, क्योंकि एक साल बाद ही तो लगता है और तो मौसम भी अच्छा हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए झूले का इंतजार, स्पेशली हम लोग को तो झूले का इंतजार रहता है क्योंकि बलिया में और कुछ तो लगता नहीं है। कहाँ से आई है, कहाँ आई है? मेरा नाम समीक्षा है और मैं बलिया की ही रहने वाली हूँ। एज अ प्रोफेशन मैं टीचर के रूप में पढ़ाती हूँ यहाँ पे, और अभी इस बार, इस साल का जो मेला लगा है ये ददरी मेला, इसमें मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मेला अभी स्टार्ट ही हुआ है तो, और हम लोग भी अभी जस्ट ही एंटर किए हैं तो देख रहे हैं। और यहाँ अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये मीना बाज़ार है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए स्पेशली जाना जाता है। यहाँ पे छोटे से लेके हर बड़ा सामान लेडीज़ का जो भी होता है, साज श्रृंगार कह सकते हैं या फिर पहनने ओढ़ने का, सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे लाइफ भी कुछ मिल जाए। सस्ता भी मिलता है क्या? सस्ता देखिए, अब डिपेंड करता है कि अगर आप बार्गेनिंग कर लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको महंगा भी मिल सकता है। हैं और बड़े लोग भी आते हैं, सबको बस ढूंढना पड़ता है अपने लायक सामान कि मिल जाए। बच्ची भी रहेगी तो उसका भी सामान? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ घरेलू सामान सारा मिल जाएगा और लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए सब सामान मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, मेले का लोग, हमारे बलिया के लोग स्पेशली मेले का वेट इसलिए करते हैं क्योंकि सामान हर जगह से एक जगह पे कलेक्ट होके आ जाता है और थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। और लेडीज को तो यही चाहिए कि सारा सामान एक जगह पे मिल जाए और थोड़ा कम रेट पे मिल जाए। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।